अभी आप बात कर रहे थे कि इनकी इस टूल को खूब इनकी इस पाठ्य दस्तावेज को खूब सा इस्तेमाल करने लगे, लेकिन पिछले कुछ समय में जब शिक्षकों के साथ प्रशिक्षण करते लोग जहां मिल रहे थे तो बार बार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज इक्वल टू एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वो यही बात कर रहे थे। ये ऐसा क्यों होने लगा है, ये ऐसा क्या हो गया, क्या सच में ये दोनों एक हैं या अलग अलग? ये भी इंटरप्रिटेशन का मसला है, इसको अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज में देखेंगे। मैं जिस तरह से एबीएल को देखता हूँ दूसरे लोग हो सकता है उसको दूसरे ढंग से देखें, लेकिन इस वक्त ये बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सराहा गया विचार और प्यारा विचार तंत्र के लिए इस वक्त जो है वो एबीएल है, और इस दस्तावेज क्योंकि ये राष्ट्रीय दस्तावेज है और इस पे केब की मोहर लगी हुई है, इसलिए जो भी विचार अपने आप को बहुत प्रचारित करना चाहता है उसको कम से कम ऊपरी तौर पर ये कहना पड़ेगा कि जो जो मोहर लगा हुआ दस्तावेज है वो और हम एक ही बात कह रहे हैं। तो कुछ हद तक ये भी है, लेकिन यदि हम थोड़ा विस्तार से इसकी बात इस बात का विचार करें तो दो तीन चीजें देखनी होंगी। पहले तो मुझे नहीं पता मेरी एबीएल की समझ ठीक है क्या, लेकिन मैं थोड़ा मोटे तौर पर एबीएल के बारे में मैं क्या सोचता हूँ वो उसकी अपन को एक मिनट बात करनी पड़ेगी, तब इसका जवाब दिया जा सकता है। एबीएल के शायद एक से अधिक स्वरूप है, और एक स्वरूप जिसको जिसका शायद सबसे ज्यादा प्रचार हुआ है मैं उसकी बात करूंगा। एबीएल के इतिहास के बारे में भी लोग जितना जानते हैं उनमें एक बहुत छोटी सी बात है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। मूलतः ये जो सीढ़ी वाली विधि और बच्चे अपने आप सीखें किसी सामग्री के तहत और उस सामग्री में ही बच्चों को रास्ता भी बताया हुआ हो और वो कुछ गतिविधियां करते हुए सीखें और हर स्तर पर एक से अधिक गतिविधियां वगैरह हों, वास्तव में ये विचार डेविड के स्कूल में पैदा हुआ था जहां मैंने प्रशिक्षण लिया था और उन दिनों इस पर काम चल रहा था। लेकिन डेविड की एक बहुत स्पष्ट मान्यता थी कि बच्चे के सीखने में दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करना और शिक्षक के साथ इंटरेक्शन बहुत लाजमी है, और इसलिए आप जो भी सामग्री बनाएं, जैसी भी सामग्री बनाएं, वो कितनी भी व्यवस्थित हो और बच्चे अपने आप सीखें, ये सब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस स्कूल में दूसरी तरफ अपने आप सीखने पर भी बहुत ज्यादा बल था कि बच्चे खुद ही सीखें। लेकिन दो चीजों पर कंटिन्यूअसली बहुत ध्यान रखा जाता था। एक चीज ये थी कि शिक्षक के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जितनी चीजें आप खोल रहे हैं सीख रहे हैं उनके विभिन्न आयाम खोलता है, उनको बहुत चीजों से जोड़ता है, और आप कितना भी व्यवस्थित सामग्री बना लें वो 3-4-5 गतिविधियां दे देगा, लेकिन उस बच्चे के वातावरण में उस वक्त जो चल रहा है और उस बच्चे के दिमाग में उस वक्त जो चल रहा है वो डेवलपमेंट की जिस स्टेज पर है उसकी पर्सनल हिस्ट्री की जो चीजें हैं उनसे उन चीजों को क्लिक करने का काम, उनसे उन चीजों को जोड़ने का काम एक प्रबुद्ध और स्नेहशील शिक्षक ही कर सकता है। तो कोई भी विधि जो शिक्षक को छोड़ के आगे बढ़ती है उस वो स्वीकार्य नहीं थी वहां पे। ये मैं अभी एबीएल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेविड के स्कूल में जहां विचार चल रहा था। दूसरी जो बात थी वो ये मान के चला जा रहा था कि आप कुछ अभ्यास पहले से तय करके संजो के रख सकते हैं और बच्चे वो अभ्यास कर भी सकते हैं, लेकिन वो अभ्यास कभी भी पूर्ण नहीं होंगे, उसमें लगातार और चीजें जुड़ती रहने की और कुछ चीजें होती रहेंगी। ये जो दोनों चीजें थी ये काफी, तीसरी चीज भी मुझे कहनी चाहिए कि बच्चे का सीखना एक रेखीय नहीं होता,
उसमें बहुत सारी जगह बहुत सारे तंतु निकलते हैं और वो कभी इस चीज को छोड़ दिया, किसी दूसरी दिशा में चल गया और फिर कुछ दिन बाद इस पर वापस आ गया। ऐसे खूब उदाहरण डेविड के स्कूल में थे, मैंने जब पढ़ाया 15 वर्ष तक तो मेरे स्कूल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे जिसमें एक बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक जगह आके मैथमेटिक्स में उसकी रुचि थोड़ी कम हो गई और भाषा में या हिंदी पर काम करने लगा और उस पर तेजी से आगे बढ़ने लगा और आपको ऐसा लगा कि बहुत गड़बड़ हो रहा है, बच्चा मैथमेटिक्स में पिछड़ने लगा है और हो सकता है कि अगले वर्ष वो इन सब चीजों में, तो ये जो गति की असमानता और स्पाइरल और सर्पिल गतियां हैं इनको हमेशा बहुत सेंसिटिव रहने की जरूरत है स्कूल में। ये सारी मान्यताएं जब कुछ सामग्री वहां बन रही थी और कुछ शिक्षक इस प्रकार की स्वयं शिक्षण सामग्री बना रहे थे उस वक्त इन पर कंटिन्यूअसली बातचीत होती थी। चौथी चीज का भी मैं जिक्र कर दूं क्योंकि मैंने तीन चीजें अभी कही हैं, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है कि आप थोड़ा अव्यवस्थित दुनिया में से अवधारणाएं निकाल के और खुद उसको व्यवस्थित करें, ये अच्छे शिक्षण की प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि सब कुछ बहुत नीट और थाली में परोस के दे दिया जा रहा है तो आप सीखने के एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर रहे हैं जो दुनिया में ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाओं से बहुत मेल नहीं खाता और रिस्ट्रिक्शंस बनती हैं। इसलिए जो दो शिक्षक इस सामग्री पर काम कर रहे थे, एक्चुअली उषा और नरसिम्हन, ये पति पत्नी थे और ऋषि वैली के रूरल सेंटर में काम करते थे, वो इस सामग्री पर काम कर रहे थे। ये सारी बहसें वहां होती रहती थी और ऐसी सामग्री बनाने की कोशिश हो रही थी जो इन चारों सिद्धांतों को शिक्षक के साथ अंतःक्रिया, किताब और दूसरे माध्यमों से खुद इंटरप्रेट करने की संभावना है, सारा कुछ इंटरप्रेटेड नहीं दिया जाए, एक रेखीय नहीं हो जाए, बच्चों दूसरे बच्चों के साथ बातचीत और अपने संदर्भ से कंटिन्यूअसली नए सृजनात्मक तरीकों से जोड़ते रहना, इन चारों पर बात होती रहती थी और इसलिए वो सामग्री एक खास अंदाज में बन रही थी। लेकिन ये बातचीत तो सामग्री में नहीं डाल सकते आप, सामग्री के मैनुअल में जरूर देख सकते हैं लेकिन सामग्री में नहीं डाल सकते। फिर ये दोनों शिक्षक वहां से दूसरी जगह चले गए और सामग्री वहीं पड़ी रही। तो बाद में जो व्यक्ति आए उन्होंने उस सामग्री को देखा और उनको लगा ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, तो उन्होंने अपने ढंग से बहुत क्रिएटिव तरीके से उसमें कुछ बदलाव किए, कुछ फेरबदल किए और आगे बढ़ाया। उन्होंने जो सामग्री बनाई थी वो तो पहले लगभग 1.5-2 वर्ष की थी, उन्होंने वो उसको आगे तक प्राइमरी तक ले गए, लेकिन वो चारों बातें भूल गए जो पहले इतने जिस पर बल था। अब हमारे स्कूलों में होता क्या है, शिक्षक होते नहीं है, इसलिए किसी भी शिक्षा तंत्र को शिक्षक प्रूफ सामग्री और शिक्षक प्रूफ विधि बता दोगे तो बहुत पसंद आएगी, तो बच्चे अपने आप कर लेंगे। और इस अच्छा दूसरी बात यह है कि बच्चों के पास क्योंकि कुछ करने को नहीं होता, स्कूल में बैठे रहते हैं, ऐसे वातावरण में आप कुछ ऐसी सेल्फ लर्निंग मटेरियल उनके सामने रख दोगे और थोड़ी विधियां बता दोगे तो आपको काफी चमत्कृत करने वाले रिजल्ट तुरंत नजर आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ABL के साथ ये हुआ और कंटिन्यूसली फिर वो रिजल्ट नजर आते गए और फिर उसको एक पूरे स्टेट में ले लिया गया, पहले कर्नाटका के कुछ हिस्सों में छोटी छोटी जगहों पर प्रयोग हुए, बाद में पूरे स्टेट में ले लिया गया और अब पूरे देश में उसको लिया जा रहा है। जितने प्रस्तुतिकरण इस पर मैंने सुने हैं और जितनी थोड़ी बहुत सामग्री मैंने इस पर पढ़ी और देखी है, कुछ स्कूलों में जाके वहां बच्चों को काम करते हुए और शिक्षकों को काम करते हुए भी देखा है, इसमें एक रेखीयपन और जो मैकेनिकल ढंग से यांत्रिक ढंग से करने की जो बात थी वो NCF 2005 के ज्ञान की परिभाषा में बहुत फिट नहीं बैठती, सीखने में बहुत फिट नहीं बैठती। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि यदि आप NCF
2005 के अनुसार काम कर रहे हैं तो आप ABL को काम में नहीं ले सकते। आप उस सामग्री को तो पूरी तरह से काम में ले सकते हैं, लेकिन आपको एक बहुत प्रबुद्ध शिक्षक चाहिएगा, जो मैंने जो चार बातें बताई थी उन चार चीजों को कॉन्स्टेंटली उस सामग्री से जोड़ता रहे, और उसमें जो सीढ़ी पर अत्यधिक बल है वो उसको और अधिक एक रेखीय कर देता है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस ढंग से इस वक्त वो काम में ली जा रही है आधे अधूरे शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षकों को पेडागोजी को पूरी तरह बिना समझे सामग्री के आधार पर, और ये जो मान्यता बनती जा रही है कि बच्चे अपने आप सीख लेंगे, शिक्षक से इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये बहुत दूर तक नहीं जाती। इसमें भी शिक्षक के नाते मेरे मन में एक वैसी ही चिंता है जैसी मैं उसके बारे में बता रहा था मूल्यांकन वाले मामले में। दिक्कत ये है कि शिक्षा में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो तुरंत उस वक्त बहुत अच्छे नतीजे देती हैं, और बाद में आगे जाके आप एक बहुत बड़ी समस्या में फंसते हैं, और इसलिए पूरी की पूरी शिक्षा तात्कालिक आनुभविक नतीजों पर या इम्पीरिकल नतीजों पर नहीं चल सकती। उसके पीछे हमेशा थ्योरेटिकल, फिलोसॉफिकल और मॉरल इश्यूज होते हैं। तो आप जब तक उसकी बात नहीं करेंगे, उस दृष्टि से चीज को नहीं देखा है, विवेचित किया है, तब तक आपको चिंता होनी चाहिए उस बारे में। मुझे इसमें चिंता यह है कि जो बच्चे इस पद्धति से निकलेंगे इसका लार्ज स्केल पर आगे क्या असर होगा ये हम नहीं जानते। यदि यदि बहुत अच्छा होता है तो दिस वेरी गुड, मतलब किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन एक चिंता ये भी है कि उनको चीजों को एक खास सरल अंदाज में छोटे टुकड़ों में परोसने की आदत, एक रेखीय दिशा में बढ़ने की आदत, और अपने आसपास की चीजों से प्रॉपर कनेक्शन हुए बिना आगे बढ़ने की आदतें विकसित हों। इसके उदाहरण हैं हमारे पास, इसलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूं। आप करके देख लीजिए, कक्षा में कोई भी टीचर करके देख सकता है। बच्चे गणित में संख्याएं लिखना और आरंभिक जोड़ बाकी करना बहुत तेजी से बिना उसका स्ट्रक्चर और लॉजिक समझाए, सिर्फ सिंबल मैनिपुलेशन के ढंग से करवाए तो कर लेते हैं, लेकिन तीसरी से आगे उन बच्चों को बहुत सीरियस समस्या आती है। तो मेरी चिंता यह है कि आठवीं से आगे इन बच्चों के साथ वैसा नहीं हो जाए जैसा हमने पूरे देश में फिलहाल एक यांत्रिक तरीके से सिखा के गणित के साथ कर रखा है। तो इसका जवाब समय और आगे किसी ने अच्छा अध्ययन किया तो वो देगा। आखिरी बिंदु बातचीत, अगर विषम में इसके बाद कुछ जोड़ें तो एक तो कि जैसा कि आपने आपकी बातों में भी आया था कि कुछ आलोचना जो कमियां, तो अब हम सिर्फ उन कमियों की तरफ देखें कि एक तो कि किस तरह की आलोचनात्मक समीक्षाएं मौजूद हैं, और दूसरा कि आप कैसे देखते हैं, बहुत तरह के विचार होंगे, बहुत तरह की समीक्षाएं होंगी, तो एक तो कि कुछ प्रतिनिधि आलोचनात्मक समीक्षाएं जिस पर आप कुछ प्रकाश डालें, और एक आप कैसे देखते हैं उस तरह की आलोचनाओं को। इसकी बहुत सारी आलोचनाओं का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, जितना पता है उसके आधार पर मैं कुछ बातें इसके बारे में कहने की कोशिश करता हूँ। और मैं क्या सोचता हूँ इस दस्तावेज के बारे में अब, वैसे मैं इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में था इसलिए उस वक्त क्या सोचता था वो अलग मामला है, लेकिन अब क्या सोचता हूँ इसकी बात भी थोड़ा करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें तो, कुछ आलोचनाएँ तो इसकी थोड़ी सी अनुपयुक्त आलोचनाएँ हैं। जैसे एक ये बात मैंने बहुत जगहों पर पढ़ी भी है और देखी भी है, सुनी भी है लोगों से, खासकर जब गोष्ठियां हुई हैं इस पे या सेमिनार होते हैं उसमें, कि थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा है लेकिन ये करेगा कौन। तो ये तो मुझे थोड़ी सी अनुपयुक्त आलोचना लगती है, क्योंकि आलोचना है ही नहीं इसकी, ये दस्तावेज की आलोचना नहीं है, ये तंत्र की आलोचना है। तो अब आप ज्यादा से ज्यादा ये कह रहे हो सकते हैं कि हमारा तंत्र जिस प्रकार के पाठ्यचर्या दस्तावेज के साथ काम कर सकता है,
ये उससे ज्यादा अच्छा है, हाँ। तो आपको ये नहीं बनाना चाहिए था। ये आलोचना मुझे बहुत उपयुक्त नहीं लगती। हालांकि इसके सामाजिक संदर्भ हैं, लेकिन आप फिर दो अंदाज में देख सकते हैं। एक तो ये कि भाई हम जितना भारत के शिक्षाविदों को पता था, अपने समस्त ज्ञान को खंगालते हुए उन्होंने अपनी काबिलियत के अनुसार वो जो सर्वश्रेष्ठ काम करके दे सकते थे वो करके दिया। अब ये फिर बाकी सब लोग जो तंत्र में हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने कमर कसें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। अब आप ये कहें कि हम तो हमारा तंत्र जो है वो इतना कमजोर और सड़ा गला है, इसलिए आप एक कमजोर और सड़ा गला दस्तावेज बना के दे दें, ये तो मुझे तो कम से कम उपयुक्त आलोचना नहीं लगती। तो एक तो ये आलोचना तो कुछ खास काम की नहीं है। दूसरी चीज इसके बारे में, एक बार ये बात बहुत जोर शोर से उठी थी कि इसमें शिक्षक की एजेंसी नहीं है। एजेंसी माने कि शिक्षक जब काम करता है तो बहुत सारी जगह उसको अपने चुनाव करने होते हैं, अपना जो वो जो भी काम करता है अपने चिंतन के अनुसार अपने ढंग से उसकी अपनी स्वतंत्रता के साथ अपनी ऑटोनॉमी को कायम रखते हुए किस प्रकार से चीजों को इंटरप्रेट करे। इस दस्तावेज का दूसरे अध्याय को कोई भी व्यक्ति ध्यान से पढ़े तो उसको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि यह आलोचना गलत है, क्योंकि इसमें बार बार ये कहा जा रहा है। और एक्चुअली कोई नया आदमी पढ़ेगा तो उसको वो थोड़ा सा शायद उसको ये लगे कुछ ज्यादा ही बार कहा जा रहा है कि क्योंकि बच्चा ज्ञान निर्माण अपनी परिस्थितियों में ही करता है और वहां पर शिक्षक ही वो व्यक्ति होता है जो उसको रास्ते पर डाल सकता है, तो शिक्षक को बहुत क्रिएटिवली और अपने ढंग से इस सारी चीज की व्यवस्था करनी होगी। तो ये शिक्षक की स्वतंत्रता सिर्फ देता ही नहीं है बल्कि शिक्षक को बाध्य करता है स्वतंत्र होने के लिए। अब आप ऑफ कोर्स पलट के टेक्निकली कह सकते हैं बाध्य करता है तो एजेंसी पर आक्रमण करता है, लेकिन उस सेंस में बाध्य करने की बात नहीं कह रहा हूं मैं। तो शिक्षक की के लिए जगह नहीं है, या शिक्षक के एक प्रबुद्ध आत्मचेता स्वयं निर्णयकर्ता व्यक्ति के रूप में जगह नहीं है इस दस्तावेज में। ये आलोचना भी की गई है लेकिन मुझे नहीं लगता कि आलोचना सही है।